हेलो एवरीवन, तो अभी हम जनरली यहाँ पे देखेंगे कि एक एंटीजन क्या होता है एंड एक इम्यूनोजन क्या होता है, जनरली इनके बीच का एक डिफरेंस क्या है जो इनको सेपरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एंटीजन। मैं तुमको एक बेसिक पहले व्यू लेके चलता है कि ये तुम हो यहाँ, ठीक है, ये तुम। तो तुम्हारे लिए कोई भी ऐसा नॉन सेल्फ पार्टिकल, यानी कि जो मेरी बॉडी नहीं है, जो कोई भी बाहर का एक फॉरेन पार्टिकल, भले ही वो डस्ट हो, बैक्टीरिया हो, पोलन हो, या कोई वायरस हो, या फिर इवन फूड पार्टिकल्स, जो हम फूड खा रहे होते हैं, वो भी एक एंटीजन ही होता है। एंड ये जानकर पहली बार मुझे पता चलता तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज हुआ था कि जो फूड है वो भी हमारे लिए एंटीजन होता है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन कोई भी फॉरेन या फिर नॉन सेल्फ सब्सटेंस होता है जो स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, यानी एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो जनरली क्या करता है कि ये रिएक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ, या तो या फिर जो लिम्फोसाइट हमारी होती है उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ जाके ये एंटीजन बाइंड कर जाता है, एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इम्यूनोजन की। इम्यूनोजन क्या होता है? इम्यूनोजन भी एंटीजन का ही टाइप है, बस फर्क इतना सा है कि ऐसा एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा उसको हम इम्यूनोजन बोल देते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इम्यूनो मतलब जो इम्यून सिस्टम को या इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करेगा, एक्टिवेट करेगा, ऐसे एंटीजन को हम बोलेंगे इम्यूनोजन। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जितने भी एंटीजन होते हैं वो हमारे, ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्यूनोजन होंगे, क्योंकि सारे एंटीजन हमारा रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट नहीं कर रहे होते, क्योंकि फूड भी एक एंटीजन है लेकिन ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करता है। इसका मतलब सारे एंटीजन इम्यूनोजेंस नहीं होते, ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। एक तो स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा हो गया लेकिन जो इम्यूनोजेंस हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेंगे, जाहिर सी बात है वो थे तो एंटीजन ही ना, तो ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा रखे यहाँ पे कि जितने भी इम्यूनोजेंस होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं वो सारे के सारे एंटीजेंस होते हैं, लेकिन जितने सारे के सारे एंटीजेंस हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेंगे, इसलिए ये सारे के सारे ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्यूनोजन हो, तो ऑल एंटीजेंस आर नॉट इम्यूनोजेंस। इसके बाद बात करते हैं दो ऐसे टर्म्स की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन के आते हैं। सबसे पहले है एक्सो एंटीजन एंड दूसरे वाला है एंडो एंटीजन। इनके नाम से ही पता चल रहा है एक्सो, यानी कि ऐसा एंटीजन जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होगा। दूसरा है हमारा एंडो एंटीजन, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, ऐसा एंटीजन जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, इनसाइड द सेल प्रेजेंट होगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे एंटीजन इम्यूनोजन। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो तुमको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुमको पता चल जाएगा कि ऐसा इम्यूनोजन, ऐसा एंटीजन जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा तो वो क्या होगा, हमारा इम्यूनोजन। लेकिन सारे एंटीजन ट्रिगर नहीं कर सकते, फूड तो ट्रिगर नहीं कर रहा है, इसका मतलब सारे एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते, लेकिन जितने भी इम्यूनोजन है वो सब एंटीजन्स होते हैं। और ये हम सबको ऐसे क्लियर हो जाएगा, अगर एक दो बार तुम इसको सिर्फ देख लो तो तुम्हें सारी चीजें, सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे इजिली। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।